नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। उन्नाव में एक बार फिर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। जनपद में हो रहे अवैध खनन को लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार परत दर परत खुलासे कर रहा है, जिसके बाद अधिकारियों की उन्नाव की, जहां बांगरमऊ क्षेत्र के फतेहपुर चौरासी के कोरटखेड़ा में अधिकारियों के संरक्षण में खनन माफियों ने हजारों ट्रॉली अवैध मिट्टी खनन कर डाला, जिसके बाद मिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को स्थानीय लेखपाल ने पकड़ लिया। हालांकि बांगरमऊ तहसील में नायब तहसीलदार का फोर्थ क्लास कर्मचारी भैयालाल फोन पर लेखपाल को धमकाता है, जिसकी खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खनन माफिया के देशराज और रिश्तेदार चपरासी का पुत्र अमित हमारे संवाददाता विपिन शर्मा को फोन पर लगातार धमकी दे रहा था। हालांकि हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच खनन माफियों से लेकर अधिकारियों के चेहरे को बेनकाब किया था। वहीं हमारी खबर का संज्ञान लेकर बांगरमऊ एसडीएम शुभम सिंह ने लेखपाल को दोनों क्षेत्रों से हटाकर तहसील बांगरमऊ से संबंध कर दिया। वहीं धमकी बाद चपरासी भैयालाल पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि हमारी टीम खनन अधिकारी से लगातार संपर्क कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि अवैध खनन कर रहे खनन माफिया देशराज और धमकीबाज चपरासी पर आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब अवैध खनन हो रहा था तो खनन अधिकारी और तहसील प्रशासन खनन माफिया देशराज और उसके रिश्तेदार धमकीबाज पर कार्रवाई में इतनी देरी आखिर क्यों। अवैध खनन के खिलाफ न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसको लेकर उन्नाव जनपद में अवैध तरह से जिस तरह से खनन हो रहा है उसको लेकर लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा है। और हम लगातार हमारी टीम जो है खनन अधिकारी से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन बीते 2 दिनों से जो खनन अधिकारी हैं कुर्सी से गायब हैं, लगातार बात करने की कोशिश करते हैं, जो उनका CUG नंबर है वो नहीं उठ रहा है। लेकिन इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से खनन विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और लगातार जो अवैध खनन हो रहे हैं इन पर कार्रवाई करने में अधिकारी फेल साबित हो रहे हैं। ऐसे में योगी की टास्क फोर्स अब किस तरह खनन अधिकारी और खनन माफियाओं पर लगाम लगाएगी, देखना दिलचस्प होगा। उन्नाव से विपिन शर्मा। फतेहपुर जिले में गरीब को घर खाली न करने पर दबंगों ने मां बेटी के साथ दुष्कर्म की धमकी दी है। भयभीत पीड़िता ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि कब्जा करने की नीयत से दबंगों ने पहले मां के साथ मारपीट की, जब बेटी बचाने आई तो उसके साथ छेड़खानी करने लगे। जब शोरगुल किया तो दोनों के साथ मारपीट करते हुए घर में आग लगा दिया। मामले की शिकायत पीड़िता बिंद की कोतवाली पुलिस से की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि मकान न खाली करने पर दबंगों द्वारा माँ बेटी को शरेआम दुष्कर्म करने की धमकी दी जा रही है, जिससे भयभीत पीड़ित परिवार दर दर न्याय की गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आस नहीं जगी है। रायबरेली में प्रसाद खाने के बाद गांव में फैला डायरिया, आधे गांव के लोग हुए बीमार, जिले में मचा हड़कंप। सीएमओ ने जांच कमेटी बनाकर गांव में लगाया मेडिकल कैंप। मामला लाजगढ़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर भिजकौर गांव का है, जहां गंगा दयाल के घर कथा का कार्यक्रम था। कथा समाप्त होने पर लोगों में प्रसाद बांटा गया। प्रसाद खाने के बाद लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की समस्या शुरू हो गई। धीरे धीरे करके एक के बाद एक गांव के 72 लोग इसकी चपेट में आ गए। जैसे इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए गांव में ही मेडिकल कैंप लगवाकर सभी लोगों का इलाज शुरू कर दिया है। स्मार्टफोन के इस दौर में सेल्फी लेना लोगों का पैशन है। बैकग्राउंड जहां बेहतर मिले, लोग एक सेल्फी लेने के लिए उतावले हो जाते हैं, लेकिन रायबरेली में एक ऐसा सेल्फी पॉइंट है जहां शायद ही कोई सेल्फी लेना चाहे। यह सेल्फी पॉइंट बनाया गया है यहां के वेस्टम सिविल लाइन चौराहे पर। इस सेल्फी पॉइंट पर लिखा है, मैं अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक नहीं हूँ, मैं यातायात नियमों का पालन नहीं करता,
अब तो आप समझ ही गए होंगे, दरअसल ये इनोवेटिव आइडिया है रायबरेली ट्रैफिक पुलिस का। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए यहाँ सेल्फी पॉइंट लगा है, जिस पर उन्हें फोटो खिंचवानी होती है। फोटो वायरल होने के डर से एक बार जो इस सेल्फी पॉइंट में फंस गया, शायद ही कभी इस बैकग्राउंड में फोटो खिंचवाना चाहे। हालांकि ऐसे लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भूल सुधार का मौका भी दिया है। जो लोग यातायात के नियमों का पालन करते हुए यहां से गुजर रहे हैं, उनके लिए दूसरा सेल्फी पॉइंट भी लगा है। इस पर लिखा है, मैं परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं यातायात नियमों का पालन करता हूं। ऐसे में जिन लोगों की नकारात्मक सेल्फी खींची गई है, वो यातायात नियमों का पालन करते हुए यहाँ पहुँचे, सकारात्मक सेल्फी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसमें कि दो पॉइंट्स है एक्चुअल में, जिसमें कि एक पॉइंट है कि जो लोग पूरी तरीके से हेलमेट पहनते हैं और जो भी ट्रैफिक नियम उनका पालन करते हैं, तो उनके लिए है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, उनको साथ बढ़ाने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि मैंने ट्रैफिक नियमों का पालन किया है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक की ओर अग्रसर हूँ। दूसरा ही एक सेल्फी पॉइंट और बनाया गया है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको ये कि उनको ये एहसास हो कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, और जो ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा उसको सम्मान भी मिलेगा और जो है वो एक बेहतर समाज की को दिशा देगा। हरिद्वार में ठंड बढ़ने के साथ साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में यातायात पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान में तेजी देखी जा रही है। इस कड़ी में ARTO वरुण सैनी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे भाद्राबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस के डिजाइनदार आर्टिफिशियल नंबर प्लेट पर पैनी नजर थी, साथ ही बिना हेलमेट लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के नहीं रहने पर जुर्माना काटे जाने से राहगीरों में हड़कंप मच रहा। यातायात नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाने और परिवहन के दौरान सुरक्षा बरतने को लेकर यातायात पुलिस के द्वारा सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना कागजी दस्तावेजों के वाहन चला रहे वाहन चालकों से जुर्माना वसूले गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगामी 23 दिसंबर को हरिद्वार दौरे को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आगामी प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्तराखंड DGP अभिनव कुमार द्वारा IG गढ़वाल रेंज करण सिंह नंगयाल और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर हरिद्वार का स्थलीय भ्रमण और निरीक्षण किया गया। उपराष्ट्रपति आचार्य पीठ पर पदस्थापना के दिव्य 25 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीदत्त जयंती के अवसर पर दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। हरिद्वार भ्रमण के दौरान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। महामहिम उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आला अधिकारियों के साथ जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूति विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज मुलाकात करी। DGP की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं चाक चौबंद रखने के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए। दोपहिया वाहन पर हेलमेट न पहनने की वजह से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ट्रैफिक पुलिस चिंतित नजर आ रही है। SP देहात कमलेश उपाध्याय के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना शुरू किया है। जागरूकता फैलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर देश में हेलमेट मैन के नाम से प्रसिद्ध राघवेंद्र कुमार को उतारा है। हेलमेट मैन ने आज नटराज चौक पर लोगों को उनके जीवन की महत्वता के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया। बताया कि हेलमेट ना पहनने की वजह से हर साल देश में करीब 50,000 लोगों की जान चली जाती है, जिनके परिजन हेलमेट ना पहनने की गलती का खामियाजा भुगतते हैं। इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय लोग हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक प्रभारी निरीक्षक रविकांत सेमवाल और ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान की मौजूदगी में हेलमेट मैन ने 50 से ज़्यादा लोगों को हेलमेट वितरित किए। ग्राम सटकौरा के किसानों ने खटखटाया जिलाधिकारी का दरवाजा। पहले ही होता था मछली पालन का ठेका, लेकिन मिलता रहा सिंचाई के लिए पानी,
लेकिन अब ठेकेदार के द्वारा पानी देने से मना कर दिया गया है। पानी न मिलने की वजह से फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुका है। अगर जल्द पानी नहीं मिला तो 40 से 50 परिवार की फसल सूख जाएगी, जिससे सभी किसान परिवार भुखमरी की कगार पर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इन सभी किसानों ने जल्द से जल्द तालाब से सिंचाई के लिए पानी दिलाए जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। पूरा मामला महरौनी तहसील के ग्राम सड़कौर का बताया जा रहा है। सांसद वरुण गांधी ने अपने एक्स पेज पर ट्वीट करते हुए कहा है कि करोड़ों परिवार उजाड़ने वाली शराब का राजस्व वृद्धि के लिए प्रचार किया जाना दुखद है। शराब का नकारात्मक असर शराबी से अधिक उनके परिवार पर पड़ता है, महिलाओं और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है? सांसद वरुण गांधी पीलीभीत बेहड़ी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। झांसी के वार्ड नंबर 39 के A1 कॉलोनी अली गोल में लगभग 20 दिनों से पानी भरा है, जिससे इलाके के लोगों का आरोप है कि सड़कों पर भरा गंदा पानी और कीचड़ लोगों के घरों में भर रहा है, जिससे सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार पार्षद से इसकी शिकायत की गई और नगर निगम के मुखिया नगरायुक्त को भी लिखित शिकायत पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी परेशानी की सुध नहीं ली। आखिर क्यों जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। हरदोई जिले में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए जोर शोर थम गया है और आज कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। 21 पदों के लिए 68 प्रत्याशियों में सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद और 3 और महामंत्री पद पर 6 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। एक पद निर्विरोध हो चुका है। हरदोई बार एसोसिएशन चुनाव के लिए अध्यक्ष पद हेतु कृष्णदत्त शुक्ल उर्फ टुल्लू बाबू, अरविंद कुमार सिंह करौंदी और रामेंद्र सिंह तोमर ने नामांकन दाखिल किया तथा महामंत्री पद के लिए महेंद्र प्रताप सिंह, सुधीर कुमार यादव, लाल बिहारी दीक्षित, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार मिश्र और प्रीति द्विवेदी ने नामांकन दाखिल किया था। हमारे यहाँ आज जो है 22 पदों पर मतदान चल रहा है। इसके 61 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज चुनाव प्रक्रिया जो है अपने चरम पर है, लंच हो चुका है इस समय और लगभग 400-450 वोट पड़ चुका है अभी तक और शाम तक वोटिंग होगी। 5 बजे तक एक एक वोट पड़ेगा और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है मतदान करते हैं और कल सुबह से वोटिंग का जो परिणाम है वो आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटे पद से काम शुरू होगा, सदस्य पद से। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा अयोध्या की सीमा पर जिला प्रशासन के नाक के नीचे अवैध बालू खनन का खेल चल रहा था। पुलिस, राजस्व और परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते सफेद रेत का काला कारोबार चल रहा था। गोंडा के तरबकगंज से अयोध्या के रास्ते अवैध बालू भेजा जा रहा था और खनन विभाग भी मूक दर्शक बना हुआ था। इसका खुलासा तब हुआ जब डीएम नेहा शर्मा को अवैध बालू खनन की शिकायत मिली। डीएम ने तहसील प्रशासन, स्थानीय पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी के निर्देश दिए। छापेमारी में तरबगंज तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के इस पार एली परसौली गाँव में अवैध खनन होता पाया गया। अयोध्या की सीमा से सटे इस क्षेत्र में अवैध बालू खनन धड़ल्ले से चल रहा था और अफसर मूक दर्शक बने हुए थे। छापेमारी में लगभग 21,000 घन मीटर अवैध बालू खनन पाया गया। वहीं मौके से लखनऊ के रहने वाले अजय यादव को हिरासत में लिया गया। अजय यादव ने अपने साथी रुधौली के 4 अन्य लोगों का नाम भी बताया है। वहीं मौके से 2 बालू लदे ट्रक, 5 खाली ट्रक,
दो पोकलैन और एक ट्रॉली ट्रैक्टर सीज किया गया है। डीएम ने बताया कि अवैध बालू और मिट्टी खनन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल काफ़ी दिनों से फल फूल रहे धंधे पर शिकंजा कसा गया है और अब इसमें मूक दर्शक बने अफसरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। वहीं दोनों जनपदों के अफसर समन्वय बनाकर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। गोरखपुर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आधी रात के बाद फिल्मी स्टाइल में एक चोरनी ने फॉर्च्यूनर गाड़ी ही उड़ा ली और फरार हो गई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह वाहन मालिक को जब इसका पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में इसकी जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो सारा माजरा उसमें साफ दिखाई दिया। पुलिस वाहन मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरनी की तलाश में जुट गई है। सर, रामगढ़ टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फॉर्च्यूनर गायब हो गई, जिसने एक महिला का हाथ सामने आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल पिछले दो तीन दिन पहले देर रात्रि को कुछ लोगों द्वारा एक फॉर्च्यूनर को किसी स्मार्ट डिवाइस के माध्यम से अनलॉक करके उसकी की को, पुरानी की को एक्सपायर करके नई की लगा के वह चोरी करके लेके गए हैं। इस तरह की गैंग का पर्दाफाश पूर्व में भी गोरखपुर पुलिस द्वारा किया गया है। कासगंज में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधाओं से लैस एक ALS एम्बुलेंस दी है। CMO राजीव अग्रवाल ने जिला अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया है। आपको बता दें कि कासगंज जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एम्बुलेंस जिला अस्पताल को उपलब्ध कराई है, जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर, मेडिसिन आदि मशीनें उपलब्ध हैं। कासगंज जनपद से जिन मरीजों को गंभीर हालत में एम्बुलेंस द्वारा हायर सेंटर रेफर किया जाता है, एम्बुलेंस में सुविधाएँ ना होने की वजह से मरीज हायर सेंटर नहीं पहुँच पाते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधुनिक सुविधाओं से लैस ALS एम्बुलेंस जिला अस्पताल को दी है, जिसमें गंभीर मरीजों को सुरक्षित हायर सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे मरीजों को जीवन दान मिलेगा। ALS जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो सीरियस मरीज रेफर किए जाते हैं दूसरे शहरों में हायर सेंटर के लिए, उनके लिए ये स्पेशली होती है और इसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं, कार्डिक से रिलेटेड, BP से, दिल का बीमारी से आदमी है या बेहोशी की हालत में है, उन तरह के तब मरीजों की सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। इवन इसमें वेंटिलेटर्स, बच्चों का भी वेंटिलेटर लगाए और आज बड़े के लिए भी वेंटिलेटर लगाए, मतलब आर्टिफिशियल जिंदगी, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है इसके। आगरा में घुसखोर के आरोपी लेखपाल भीमसेन की कार को फॉरेंसिक टीम ने पुलिस की निगरानी में खोला। कार के अंदर से 10 लाख रुपये बरामद हुए। बमरौली कटारा के रहने वाले एक किसान ने गंभीर आरोप लगाया था, खतौनी में नाम बदलवाने के एवज में रिश्वत में 10 लाख रुपए दिए थे। देर रात तहसील में कार को छोड़कर आरोपी लेखपाल भीमसेन कार छोड़कर फरार हो गया था। आरोपी लेखपाल के खिलाफ थाना शाहगंज में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार खुलने के बाद 5 लाख कार के डैशबोर्ड पर तो वहीं 5 लाख कार के पिछले हिस्से में बरामद हुआ है। आरोपी लेखपाल भीमसेन के बेटे ने आरोपों को निराधार बताया है। बेटे ने कहा कि पैसा हमारा है, सबूत वो देने को तैयार है, पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मकान बनाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें महिलाएं भी आपस में खूब लड़ी। मारपीट और महिलाओं के झगड़ने लड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में दोनों पक्षों से 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। CO अंकित मिश्रा ने बताया कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अंकित मिश्रा, क्षेत्राधिकारी यातायात जनपद हरदोई। यह प्रकरण थाना बेनीगंज क्षेत्र के ग्राम एमा का है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त संबंध में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर यूपी के संत कबीर नगर जिले से है, जहां पर बघौली ब्लॉक स्थित
करौदा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सांसद प्रवीण निषाद सहित जिले के तीनों विधायक उनके स्वागत के लिए मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल के पंडाल में लगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, धरातल कितनी गतिमान है उसकी जानकारी ली और जिले को 21 योजनाओं की सौगात दी, जिसमें संत कबीर नगर जिले को सेफ सिटी और अन्नपूर्णा भवन बनाने जैसे योजना शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार में संचालित सभी योजनाओं को बारी बारी से जनता के समक्ष रखा और अपनी सरकार का गुणगान किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस घटना की वीडियो बनाने के विरोध में सहारनपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर दोनों पर कार्रवाई की मांग की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन के दौरान राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व महापौर संजीव वालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, साथ साथ कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के भी जमकर नारे लगाए। आप सबको ज्ञात है, अभी 2-3 दिन पहले संसद के अंदर और देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा के अंदर कुछ सांसदों के कतिपय अमर्यादित व्यवहार के कारण राज्यसभा के माननीय उपसभापति के द्वारा कुछ सदस्यों का निलंबन किया गया था। राज्यसभा देश का उच्च सदन है, राज्यसभा का सभापति ही देश का उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने झांसी के इलाइट चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंका। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि किसान पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग और खासकर राहुल गांधी जानबूझकर दलित और किसानों का अपमान कर रहे हैं और भाजपा इस तरह की चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसके विरोध में आज ये पुतला दहन किया गया है। कासगंज में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन किया हुआ। भाजपा युवा मोर्चा ने भाजपा जिला कार्यालय पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। उपराष्ट्रपति की राहुल गांधी के द्वारा मिमिक्री करने के विरोध भाजपा युवा ने प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति के नकल उतारने वाले सांसद, वीडियो बनाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अन्य सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जमकर राहुल गांधी का विरोध किया और नारेबाजी की। भाजयुमो पदाधिकारियों ने कलेक्टर पहुंचकर प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। मामला कासगंज जनपद के सोरो रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय का है। कानपुर बाबूपुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शिखर पान मसाला फैक्ट्री में जीएसटी की छापेमारी हुई। मौके पर पुलिस बल के साथ साथ जीएसटी की कई गाड़ियां मौजूद रही। वहीं सूत्रों की माने तो लखनऊ के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। शायद मसाला कारोबारी को सुबह से ही इसकी भनक थी क्योंकि पहले से ही काम बंद था। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण रोकने और शहर के सौंदर्यकरण के लिए नई शुरुआत की गई है। प्राधिकरण के द्वारा फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के मैदान डेवलप किए जाएंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने शंकराचार्य चौक पर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय सीमा पर
कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अंशुल सिंह ने बताया कि हरिद्वार में फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़े स्थानों पर पार्किंग और खेल के मैदान डेवलप किए जा रहे हैं। पहले चरण में शंकराचार्य चौक पर फ्लाईओवर के नीचे ही बैडमिंटन, बास्केटबॉल और पार्किंग बनाई जा रही है। इसके बाद उत्तरी हरिद्वार में भी ऐसे ही पार्क और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि इस योजना से फ्लाईओवर के नीचे होने वाले अतिक्रमण पर रोक लगेगी और शहर के लोगों को स्वच्छ वातावरण में खेलने का मौका भी मिलेगा। ऐसे हम ब्लैंक स्पेसेस सोच रहे थे, डार्क स्पेसेस जहाँ अतिक्रमण हो जाता है या फिर गंदगी फैलती है, उनको हम स्पोर्ट जोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल की खेलने की व्यवस्था, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, एक पार्किंग और दो पार्क आ जाएँ। पार्किंग में 10 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और 40 से 50 हमारे टू व्हीलर्स खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग खेलने आएंगे इंटरनली मूवमेंट होगा उनका, ताकि वो लोग को कोई ट्रैफिक से कुछ प्रॉब्लम ना हो और सेफ्टी भी रहे बच्चों की जो खेलने आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।